ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है है ना? तरीका यह है कि जैसे अगर हमें पॉइंट ए पर फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे इस पॉइंट ए से सारे चार्जेस राइट डायरेक्शन में राइट right साइड में है तो सारे चार्जेस को जोड़ देते हैं कितना आएगा क्यू माइनस टू क्यू और थ्री क्यू तो कुल मिलाकर के प्लस टू क्यू चार्ज आएगा है ना तो इस पॉइंट ए से राइट right साइड में प्लस टू क्यू चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर रिपेल करेगा और इसलिए यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो आ जाएगा टू क्यू डिवाइडेड बाई टू एफ स्ले नॉट इतना फील्ड आएगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में है ना तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन से लिए निगेटिव लिख देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है ये इतना ही आया है माइनस टू क्यू बाई टू नॉट माइनस डायरेक्शन में आता रहा है लेफ्ट वर्ड को और मैग्नीट्यूड टू क्यू बाई टू एफ सिले नॉट ऐसे ही अगर पॉइंट बी पर निकालना हो तो बी पर देखेंगे कि इसके लेफ्ट में टोटल चार्ज है क्यू तो इधर आएगा क्यू बाई टू एफ सिले नॉट है ना ये प्लस क्यू है इसलिए रिपेल करेगा इधर राइट वर्ड डायरेक्शन में अच्छा इस पॉइंट बी के राइट right साइड में टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो यह आएगा प्लस क्यू इधर भी आएगा है ना माइनस टू क्यू और प्लस थ्री क्यू प्लस क्यू आ गया तो राइट साइड में भी प्लस क्यू चार्ज है तो ये लेफ्ट व डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा क्यू बाई टू एफ ले नॉट तो देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्यू बाई टू एफ नॉट तो कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा इसलिए पॉइंट बी पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था ऐसे ही पॉइंट सी पर देखना हो तो उस पॉइंट सी के लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है Q और माइनस टू क्यू यानी कि माइनस क्यू तो निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू है इसलिए इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये लिखेंगे Q बाई टू एफ सले नॉट मैग्नेट्यूड क्यू बाई टू एफ एल नॉट और डायरेक्शन लेफ्ट वॉट हो गया उसी तरह से इसके राइट right डायरेक्शन में राइट right साइड में जो चार्ज है वो है प्लस थ्री क्यू तो प्लस थ्री क्यू है तो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा थ्री क्यू बाई टू एफ एल नॉट तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आए इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्यू प्लस थ्री क्यू यानी फोर क्यू बाई टू एस एल नॉट लेफ्ट व डायरेक्शन में तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फोर क्यू बाई टू एस एल नॉट आया है और वो भी लेफ्ट व डायरेक्शन में आया है निगेटिव डायरेक्शन में अच्छा पॉइंट डी पर निकालना हो तो देखेंगे कि पॉइंट डी से लेफ्ट में टोटल चार्ज कितने हैं सारे चार्जेस को एक बार जोड़ देंगे तो आएगा थ्री क्यू प्लस क्यू फोर क्यू और माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू हो गया तो टोटल चार्ज प्लस टी क्यू है प्लस टू क्यू है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रखने पर रिपेल करेगा इधर तो आएगा मैग्नीट्यूड टू क्यू बाई टू है एप्सलैन नॉट है ना? तो यहाँ पर देखेंगे कि फाइनली यहाँ पर भी हमने टू क्यू बाई टू नोट निकाला हुआ है जिस जो कि राइट और डायरेक्शन में है क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव साइन आ रहा है है ना तो इसी कॉन्सेप्ट वेस्ट अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे और ये जो एग्जाम्पल है उसमें हमें एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट दिया गया है नॉन ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जो कि इसका साइज़ भी इनफाइनाइट माना जा सकता है लेकिन इसका जो थिकनेस है वो लिमिटेड है ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस हमें दी गई है टोटल टी इसकी थिकनेस है टोटल टी और ये इन्फिनी तक जा रहा है इधर ऊपर इन्फिनी तक जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी तक जाता है ठीक है अब इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर इधर एक्स डायरेक्शन मान लिया जाए ये एक्स डायरेक्शन है तो लाइन ऑफ सिमेट्री से कुछ डिस्टेंस इधर और फिर पीछे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन ये है Determine and draw electric field, electric field due to infinitely large, infinitely large non-conducting plate non-conducting plate of thickness t of thickness t and having uniform volume charge density volume charge density rho as a function of as a function of distance x from its plane of सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है ये जो हमने बीच वाली लाइन ड्रा की है अगर यहाँ से एक प्लेन पास कराया जाए है ना अगर यहाँ से एक प्लेन पास कराया जाए तो इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो ये जो हमने प्लेट दिखाया है इस प्लेट का साइड व्यू दिखाया हमने अगर इधर से इधर से देखें तो वो फ्रंट व्यू कहलाएगा और वो इनफाइनाइट लेंथ का साइज का होगा थिकनेस जो है इसका फाइनाइट है थिकनेस है टी तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दो तरह के केसेज के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो एक फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं ना ये जो कंड़, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसका एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर तो ये जो फिगर है इसको ये जो प्लेट का थिकनेस टोटल दिया गया है हमें टी हम लोग क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ठीक है एक तो है गया लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि बिल्कुल बीच से पास कर रहा होगा है ना यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ना यहाँ पर एक पॉइंट है P इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे कि पॉइंट P से पास करने वाला एक प्लेन बनाते हैं ठीक है तो पॉइंट P से पास करने वाला एक प्लेन बनाया हमने तो इस प्लेन के कारण इस प्लेन के दो साइड में जो है चार्जेज होंगे एक चार्ज तो इधर हो जाएंगे इधर इस प्लेन के लेफ्ट में इधर कुछ चार्जेज हैं ना इनके कारण से फील्ड निकालेंगे तो वो राइट और डायरेक्शन में आएगा पॉइंट पी पर और कुछ पार्ट जो है कुछ पार्ट जो है इसका इस पॉइंट पी के राइट साइड में पड़ेगा राइट साइड वाला हम लोग ऐसे दिखा देते हैं रेड से तो ये जो दो पार्ट हो गए दोनों पार्ट के कारण से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई जो है पॉइंट पी पर निकालेंगे तो दोनों पार्ट के कारण से अलग अलग डायरेक्शन में आएगा है ना तो एक पार्ट जो हो गया ये हो जाएगा t बाई टू प्लस एक्स है ना ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये देखेंगे कि ये जो है t बाई टू है यहां से और ये भी t बाई टू है क्योंकि रेड वाली जो लाइन ड्रॉ की हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री है ठीक तो अब ये जो डिस्टेंस बचेगा ये वाला ये कितना बचेगा ये हो जाएगा t वाई टू माइनस एक्स तो इस पॉइंट P पर जो लेफ्ट साइड में इस पार्ट में जो चार्जेज हैं उनके कारण से फील्ड आएगा पॉइंट P पर राइट और डायरेक्शन में इधर है ना तो उनको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव और ये आ जाएगा A इंटू टी बाई टू प्लस एक्स इंटू रो डिवाइडेड बाई टू एप्सलेन नॉट है ना एक्चुअली में ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर ये जो वैल्यू आप देखेंगे ये जो ऊपर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ये हो गया टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में कैसे रो तो होता है डेंसिटी अगर मान लें प्लेट का एरिया है ए ठीक है वैसे ये लार्ज प्लेट है फिर भी हम लोग थोड़े से अमाउंट के लिए कैलकुलेट करना हो तो ऐसे ले सकते हैं एरिया तो रो इन टू एरिया इन टू थिकनेस इसका जो थिकनेस है लेफ्ट वाले पार्ट का वो है टी बाई टू प्लस एक्स तो देखेंगे एरिया इन टू थिकनेस ये तो वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम है वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से टोटल चार्ज आ गया है ना तो ये इधर का टोटल चार्ज इतना हो गया और जैसे कि हमने प्लेट में कैलकुलेट किया था प्लेट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था पहले उसमें हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है है ना वो आता है यहाँ पर देखें ये आता है क्यू बाई टू ए एफ एल नोट अगर चार्ज Q हो तो उसके कारण से क्यू बाई टू एफ एल आता है अगर चार्ज टू की हो तो टू क्यू बाई टू एफ एल आता है अगर चार्ज थ्री की हो तो थ्री क्यू बाई टू एफ नट आता है तो वैसे ही यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज आया है अपना इतना तो ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टू एफ एल नॉट ये आएगा राइट व डायरेक्शन में इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा है माइनस अब इसके पॉइंट पी के जो राइट साइड में इधर जो तो चार्जेज हैं इनके कारण से फील्ड निकालेंगे तो वो आएगा किधर ये आएगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में इधर इसलिए इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या करेंगे अब उधर का जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू टी बाई टू माइनस एक्स इंटू रो डिवाइडेड बाई टू एक्सले है ना तो पॉइंट पी के राइट right साइड में जो भी चार्जेज हैं उन चार्जेज का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे रो इंटू एरिया इंटू थिकनेस तो इधर का जो थिकनेस है वो है टी बाई टू माइनस एक्स तो ये हो गया थिकनेस इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम में वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देने से टोटल चार्ज आ गया तो पॉइंट पी के राइट right साइड में जो टोटल चार्ज है वो इतने हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टू है एफ नॉट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा रो एक्स डिवाइडेड बाई एफ नॉट है ना तो ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अगर इसका ग्राफ अपलोड करना हो देख सकते हैं कि जो x है वो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया तो अगर हम लोग इसका ग्राफ अपलोड करें तो सपोज ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पर हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एक्स एक्सिस है इस पर हम लोग रखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा ऐसे और चूंकि प्लेट के अंदर जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा है ना अच्छा जैसे ही बाहर जाते हैं इस प्लेट के बाहर जब हम लोग जाते हैं तो बाहर तो पता है हमें सिग्मा बाई टू एफ एल नॉट होता है जो कि कांस्टेंट होता है इधर लेफ्ट में भी आएंगे तो सिग्मा बाई टू एफ एल आएगा और ये भी कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में आएगा इधर इसलिए हमने इसको ग्राफ में निगेटिव साइड में प्लॉट किया है और इधर जो आएगा फील्ड वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आया ठीक तो ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है है ना तो ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू प्लस टी बाई टू और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस टी वाई टू और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा ठीक है ये जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये हो जाएगा रो टी बाई टू एफ नॉट वैसे ही यहाँ पर आएगा निगेटिव ऑफ रो इंटू टी बाई टू एफ नॉट जो ऊपर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे वाला भी है ना एग्जैक्टली ये ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हम लोग एक एग्जाम्पल एक करेंगे इस एग्जाम्पल में हमें एक इंफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट दिया गया है जो ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी इनफिनिटी तक जा रहा है लेकिन इसका जो विथ है विथ्स डब्लू है ये थीन प्लेट है इसका थिकनेस डब्लू नहीं है विथ्स जो है इसका डब्लू है और ये जो थीन प्लेट है इस प्लेट का जो प्लेन है वो इस पेपर के प्लेन में है तो इसी प्लेन में इस प्लेट से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जब इस प्लेट की सरफेस डेंसिटी सिग्मा है तो क्वेश्चन इज अ थीन इनफाइनाइट प्लेट हैविंग विथ W and Surface charge density Surface charge density Sigma Find Find the electric field Electric field due to due to this infinite plate infinite plate at a point at a point which lies in the same plane, the same plane at a distance of at a distance of D from the one of its edge, one of its. एज तो कहने का मतलब यह है कि जो इनफाइनाइट प्लेट है उसका एक एज ये वाला है इस एज से डी डिस्टेंस पर यह डी डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और एक दूसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस प्लेट के ऊपर है, है ना A point which is on the plane of symmetry, on the plane of symmetry at a distance, at a perpendicular distance. डी from इट तो अगर जो दूसरा वाला पॉइंट है अगर इसको समझना हो तो हम क्या करेंगे इस प्लेट का साइड व्यू बनाएंगे अगर इधर से देखें तो यह प्लेट हमें कैसा दिखेगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा ऐसा दिखेगा जिसका कि वीट्स हमें W दिया गया है यह W है ठीक तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है इसके प्लेन में ही दिया गया यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया गया ठीक और जो दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर बताया गया मेंशन किया गया वो है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री से डी डिस्टेंस ऊपर है है ना पर तो हमें इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये है पॉइंट आर तो इस पॉइंट आर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करेंगे यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे ये जो प्लेट है इस प्लेट में एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं है ना जो स्ट्रीप है वो मान लेते हैं कुछ इस तरह का है है ना ये स्ट्रिप हो गया और इस स्ट्रीप का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से ये मान लेते हैं एक्स है एक से यहां से एक्स डिस्टेंस पर और डीएक्स थिकनेस का ये स्ट्रीप है और ये स्ट्रीप भी इनफाइनाइट लेंथ का होगा मतलब नीचे भी इन्फिनी तक जा रहा है और ऊपर भी इंफिनिटी तक जा रहा है ठीक तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो स्ट्रिप है एक्चुअली में एक लाइन चार्ज जैसा बिहेव करेगा है ना जब हम लोग पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं इसमें कॉन्सीडर स्ट्रीप ऑफ थिकनेस dx एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट पी है ना तो ये जो पॉइंट पी है यहां से एक्स डिस्टेंस पर हमने स्ट्रिप कंसीडर किया है फिगर में देखेंगे एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस का ठीक तो इसको हम लोग एक लाइन चार्ज मान सकते हैं स्ट्रीप कैन बी कंसीडर्ड एज अ लाइन चार्ज हैविंग हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैमडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स है ना सिग्मा इंटू डी एक्स लैमडा कैसे आया आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लाइन चार्ज है इस लाइन चार्ज का लेंथ अगर एल होता तो लेंथ इंटू डी एक्स इस पूरे स्ट्रीप का इस पूरे स्ट्रीप का एरिया हो जाता और एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल चार्ज हो जाता है तो इस स्ट्रिप पर टोटल चार्ज इतना होता और अगर लेंथ डिवाइड कर देते तो ये हो जाता चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लेमडा तो लेमडा का वैल्यू देखेंगे यहां से तो एल और एल कैंसिल हो गए तो लैम्डा का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू डी ठीक है तो वही वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लेमडा का वैल्यू है सिग्मा डी तो ये जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया इसके कारण से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इज इक्वल टू टू के लेमडा बाई एक्स ये होना चाहिए है ना इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है टू के लेमडा बाई आर आर होता है लाइन चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर इस लाइन चार से पॉइंट का डिस्टेंस है एक्स तो फॉर्मूला हो गया अपना टू के लेमडा बाई एक्स और अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ठीक तो टू के लेम्डा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा टू के सिग्मा का जो वैल्यू है उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है तो यहाँ पर आएगा डी एक्स बाई एक्स अब x का जो लिमिट है देखेंगे कि x ऐसा स्ट्रिप हमें इस एंड से लेकर के इस एज से लेकर के इस एज तक जाना पड़ेगा तो x का वैल्यू जो है वो यहाँ पर d है और यहाँ पर d प्लस डब्लू है तो x का लिमिट हम लोग रखेंगे d से d प्लस डब्लू तक ठीक तो ये जो आएगा टू के सिगमा इंटू लॉग लॉग डी प्लस डब्लू डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा इंटरग्रेशन करने के और लिमिट रखने के बाद तो ये क्या वैल्यू हो गया टू के सिग्मा इंटू लॉग डी प्लस डब्लू बाई डी है ना तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर और ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इसी डायरेक्शन में मतलब कि जो प्लेट है प्लेट का एज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके प्लेन में ही ये आएगा अब आते हैं दूसरा पार्ट को दूसरा पार्ट में हमें जो पॉइंट बताया गया वो बताया गया कि ये जो प्लेट है प्लेट का प्लेन ऑफ सिमेट्री में है और जो सेंट्रल लाइन है वहां से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है ठीक जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है अब हम लोग उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये प्लेट है प्लेट का हमने साइड व्यू दिखाया है इसका विर्थ टोटल डब्लू है डब्लू बाई टू इधर और डब्लू बाई टू इधर ठीक है तो अब इसमें ऐसा करते हैं कि जो सेंट्रल लाइन है वहाँ से यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक स्ट्रीप लेते हैं है ना dx थिकनेस का एक स्ट्रीप लेते हैं तो इस स्ट्रीप के कारण से इस पॉइंट आर पर इसको पॉइंट आर हमने माना था इस पॉइंट आर पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा डी ई इज इक्वल टू टू के लैमडा डिवाइडेड बाय आर जिसमें से ये डिस्टेंस आर होगा ये क्वेश्चन में डी दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आएगा इधर की तरफ है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर वैसे ही अगर हम इधर भी एक एलिमेंट ले लें फिर से यहां से सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पर डी थिकनेस का एक स्ट्रीप ले ले लेते हैं तो इसके कारण से यहाँ जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा मैग्नीट्यूड उतना ही होगा क्योंकि इसका भी डिस्टेंस जो है ये भी आर होगा है ना तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व किया जाए सपोज ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है तो ये भी थीटा होंगे दोनों तो इस डी ई -E का जो कॉम्पोनेंट आएगा इधर आएगा डी ई कॉस थीटा और इधर आएगा डी ई साइन थीटा है ना उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड डी का कॉम्पोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा और ऊपर की तरफ जो आएगा वो आएगा वो भी आएगा डी ई स्कॉस थीटा है ना तो कहने का मतलब यह है कि परपेंडिकुलर यानी कि अपवर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होता जाएगा और इधर वाला पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है ये कैंसिल होता जाएगा कारण यह है कि जैसा भी एलिमेंट हम इधर लेंगे वैसा ही उतनी ही डिस्टेंस पर है इस सेंट्रल लाइन से एक और एलिमेंट ले सकते हैं जो कि इसके हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर देगा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऐड होता रहेगा तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द्रीप और प्लेट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको डबल कर सकते हैं जैसा कि ऊपर देखें तो ऐड हो रहा था डबल करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जीरो से जीरो से W बाई टू तक जो एक्स का वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर W बाई टू होगा ठीक है तो जितना आएगा इसके कारण से उतना ही इधर लेफ्ट वाले पार्ट के कारण से आएगा इसलिए ये डबल कर दिया हमने ठीक तो अब आते हैं इसका इंटीग्रेशन करने पर तो इंटीग्रेशन जब करना हो तो टू डी ई का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है तो ये होगा टू के लेमडा बाई आर इंटू थीटा अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो इस थीटा का वैल्यू आएगा बेस डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आर डी बाई आर है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो ये होगा फोर के इंटू डी इंटू लैमडा बाई आर स्क्वायर अब लैम्डा जो है वो वेरिएबल है जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था लैमडा का वैल्यू आया था सिग्मा इंटू डी एक्स तो यहाँ भी उतना ही आएगा डी लैमडा का वैल्यू सिग्मा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये जो आर है इसमें देखेंगे आर का वैल्यू ये वाला या ये वाला दोनों का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट तो यहां पर आर स्क्वायर है तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और जो लिमिट है लिमिट जो है वो x का वो जीरो से w बाई टू जीरो से w बाई टू तक इसको इंटीग्रेशन हमें करना है तो फोर के इंटू डी ये तो हो गया कॉन्स्टेंट टर्म और एक सिग्मा भी आ गया ये भी कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और आ गया इधर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक्स का लिमिट है जीरो से डब्लू बाई टू तो फोर के सिग्मा इंटू डी और ये जो इंटीग्रेशन है वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी और इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे जीरो से डब्लू बाई टू तक तो लिमिट रखने के बाद जो फाइनली आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि डी और डी ये तो कैंसिल हो गए तो यहां बचा फोर वन बाई फोर पाई सले नॉट ये हो गया के का वैल्यू इनटू सिग्मा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू डब्लू बाई टू रखेंगे तो ये आएगा डब्लू बाई टू डी और जब जीरो रखेंगे टेन इनवर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा है ना तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा सिग्मा बाई पाई एफ नॉट इन टेन इनवर्स डब्लू बाई टू डी और ये जो आएगा ये भी प्लेट के परपेंडिकुलर आएगा और ऊपर की तरफ आएगा इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा तो हमने इस प्लेट के प्लेन में भी इधर किसी पॉइंट पी पर कैलकुलेट कर लिया और इस प्लेट के परपेंडिकुलर यहाँ पर भी हमने कैलकुलेट कर लिया तो एक एग्ज़ाम्पल करेंगे इस एग्ज़ाम्पल में आप देखेंगे कि एक इनफाइनाइट प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, है ना? और इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है है ना? तो इसमें से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है और इस इनफाइनाइट प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो हमें फाइंड करना है कि इस इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा मैक्सिमम हाइट कितना होगा और इसकी हॉरिजेंटल रेंज कितनी होगी है ना तो क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड in vertical plane from an infinite plate which is horizontal as shown in figure find Time of flight, maximum height, maximum height achieved by the electron and horizontal range, horizontal range of इलेक्ट्रॉन तो जिस तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल चैप्टर में पढ़ते हैं कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने से वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है है ना ये ऐसे जा करके कुछ इस तरह से नीचे आता है तो इसकी मैक्सिमम हाइट एच होती है है ना और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग लेते हैं टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट तब हम लोग ऐसे लिखते थे रेटाइल मोशन में टू यू साइन थीटा बाई जी है ना तो इसमें क्या है कि इसकी अगर वेलोसिटी को रिजोल्व करेंगे तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट आएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा यू साइन थीटा है ना तो जो ग्राउंड टू ग्राउंड पोरेटाइल हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है टू और जो यू साइन थीटा है ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होता है यू आई और जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है जी उसको हम लोग लिखते हैं ए वाई ठीक तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा करें है ना ये जो है ये हम लोग पढ़ते हैं किधर ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल होता है वहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं तो टाइम ऑफ लाइट इतना होता है और जो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं वो आता है यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी यानी यू आई वाई डायरेक्शन में निशा वेलोसिटी का होल स्क्वायर इनटू टू ए वाई ठीक और जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी यानि कि टू यू एक्स इंटू यू आई डिवाइडेड बाई ए वाई ठीक है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम लोग इस तरह से इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस तो है ही साथ में एक एडिशनल एक्सेलरेशन आएगा ना ये प्लेट क्या करेगा ये प्लेट अपवा डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई टू एफ नॉट तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए उस पर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा तो जो एक्सेलरेशन आएगा नीचे वो हो जाएगा ई इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो अब देखेंगे कि ये जो केस है इसमें टोटल एक्सेलरेशन एक तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से और एक जी भी है ग्रेविटी के कारण से तो नेट एक्सेलरेशन जो हो गया इस केस में इन दिस प्रॉब्लम ए वाई इज इक्वल टू जी प्लस ई बाई एम यानी जी प्लस ई वाई एम और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको सिग्मा बाई टू एक्सल नॉट लिख सकते हैं ठीक तो अब जो है अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन की जगह पर यह एक्सेलरेशन रखेंगे इतना बाकी सब कुछ वैसे ही है इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी यू है और एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा है जैसा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में दिया जाता था ठीक है तो जो भी फॉर्मूला हमने सीखा है उसमें यू आई तो वही है सिर्फ ए वाई जो है अब चेंज हो गया है तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वाई ए वाई की जगह पर हम लोग ये रखेंगे जो कि आएगा जी प्लस सिग्मा इंटू ई बाय टू एम एफले नॉट ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला उसके बाद अगर हम लोगों को मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना हो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे यू साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू वाई का वैल्यू रखना है ए वाई की वैल्यू है अब चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर रखेंगे जी प्लस सिग्मा इंटू ई बाई टू एम एफले नॉट तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन और जब हॉरिजेंटल रेंज कैलकुलेट करना हो तो हॉरिजेंटल रेंज में देखेंगे यहाँ पर ये यह ऊपर वाला न्यूमरेटर अभी भी वही वह रहेगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई अब जी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे ए वाई रखेंगे और ए वाई जो है अब चेंज होकर के इतना हो गया है तो लिखेंगे जी प्लस सिग्मा इंटू ई बाई टू एम नॉट है ना टू एम एफ्सले नॉट ये हो गया हॉरिजेंटल रेंज तो एक्चुअली में क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बढ़ गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी छोटा हो गया होगा मैक्सिमम हाइट भी छोटा हो गया होगा और रेंज भी थोड़ा छोटा हो गया होगा